गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ का क्लास है जिसमें आपका चैप्टर वन है नंबर अप टू 1000। क्या है नंबर? ये है आपका नंबर अप टू 1000, मतलब नंबर हम लोग पढ़ेंगे 1000 तक का पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 100 तक, स्पेलिंग भी याद होगी 1, 2, 3, 4, उससे आगे का नंबर क्या क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं 1, 2 से। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि नंबर्स लिखिए, नंबर लिखिए आप लोग 1 से लेकर 100 तक, तो लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम लोग तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़े हैं। नंबर का यूज हम लोग क्या कहाँ पे करते हैं? तो किसी भी चीज को गिनती करने के लिए, जैसे अगर आपके पास कुछ क्या है, कैंडी है, कुछ टॉफी है, जैसे यहाँ पर कुछ कैंडी का फिगर बनाते हैं। अगर हम कैंडी का फिगर बनाए, आप पूछेंगे आप लोगों से कि कितने सारे कैंडीज हैं यहाँ पे, तो आप लोग बताइएगा कि यस सर इसमें इतने कैंडीज हैं। जैसे और कुछ कैंडीज के फिगर हम बनाते हैं, अगर पूछेंगे ये कितने कैंडी है, कितने चॉकलेट है, कितने टॉफी है ये, तो आप लोग बताइएगा। जैसे गिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हैं ये? 6 हैं। तो यहाँ पे नंबर का यूज हुआ। या हम लोग अगर पूछेंगे आपको क्वेश्चन कि आपके मतलब आपके पास कितने आंखें हैं, तो क्या है आपको 2 आंखें हैं। कितनी है? 2 आईज। क्या है? 2 आईज या 6 कैंडी टॉफी है। कुछ क्वेश्चन बोलेंगे अगर कि आपके सर में कितने बाल हैं, तो क्या आप ये बाल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। या एक पेड़ में कितनी पत्तियां हैं, अगर पेड़ है कहीं पेड़ है, बोलेंगे बताना जरा कि आप लोग इस पेड़ में कितने पत्तियां हैं, गिन पाइएगा? नहीं गिन पाइएगा। या आसमान में कितने तारे हैं, स्टार को आप लोग रात में स्टारों को गिन सकते हैं कि कितने स्टार हैं आसमान में? यहाँ पे तो आप 4 बता सकते हैं कि सर आपने तो 4 स्टार बनाया। या आप लोगों के कॉपी में जब भी वेरी गुड मिलता है, स्टार मिलता है, तो बताते हैं कि हमको 1 स्टार मिला है, आज हमको 2 स्टार मिला है, 3 स्टार मिला है, लेकिन आसमान में कितने स्टार है उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आइए बात करते हैं अब आपका चैप्टर 1 से, नंबर अप टू 1000 तक। इसमें आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में 100 तक का पढ़ा होगा, 100 तक तो आप लोगों ने यूकेजी में ही पढ़ा होगा और 100 से ज्यादा ही पढ़ा होगा, तो फिर से हम उसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 6 में दिया हुआ है 3 डिजिट नंबर। क्या है? 3 डिजिट नंबर। अब ये 3 डिजिट, अगर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर ये डिजिट क्या होता है, तो डिजिट से ही नंबर बनते हैं। डिजिट है आपका कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये क्या है आपका? डिजिट है। इन डिजिट से ही नंबर बनता है। नंबर का जो क्रिएशन होता है, वो जब बनता है वो किससे बनता है? डिजिट से। ये क्या आपका? डिजिट है। इसको हम राउंड कर देते हैं, घेर देते हैं। अब देखिए इससे हम नंबर बनाते हैं। अगर बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? ये सब सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट से बना हुआ है। अगर हम बात करें 10 की, तो 10 कितने डिजिट से बना है? तो 10 बना 2 डिजिट से। कितने डिजिट से? इसमें 1 और 0 से मिलके बना है 10। तो 10 क्या है आपका? 2 डिजिट नंबर है। 10 के बाद है 11, फिर 21, ये हम पूरा यहाँ से ऐसे बॉक्स बना देते हैं ताकि 1 से लेकर 100 तक हम लिखेंगे, तो आप लोगों को तब उसके बाद आगे के नंबर हम समझाएंगे। ये है आपका 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, और यहाँ पे तो हम ये करते हैं, यहाँ पे है आपका 91, ये 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100। आप देख सकते हैं, आप अगर इसमें पूरा फिल कीजिएगा, अगर आप लिखिएगा कॉपी में
तो जितने भी नंबर बने हुए जैसे 11 है तो 11 किससे बना हुआ है, 1 से, मतलब 2 डिजिट से बना हुआ है, ये 2 डिजिट नंबर है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले 1 डिजिट नंबर, क्या लिखते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर। अगर हम 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बात करें कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पे 1, 1 से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता है, 0, 0 मतलब हो गया 0। जैसे अगर आपके पास 1 टॉफी है, 1 चॉकलेट है, तो क्या हो गया 1 हुआ। और अगर आपके पास 10 है तो उसको 10 बोलेंगे, लेकिन एक भी नहीं तो ये तो नहीं बोल सकते कि 0 टॉफी। तो इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट, अगर हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट ये सिर्फ आप लोगों को आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम आपको एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि ये आप लोग याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 होता है, और लार्जेस्ट क्या होता है, 1, सॉरी ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हो गया 1, और लार्जेस्ट हो गया जैसे 1 डिजिट नंबर में फिर 9, 9 के बाद क्या होता है 10 होता है, तो ये आपको 1 डिजिट ग्रेटर लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 9, 9 के बाद फिर क्या है 10, 10 है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 10 होगा। और 10 के बाद क्योंकि ये क्या है 2 नंबर से बना हुआ, अगर 11 की बात करें तो 10 से जितने भी आगे नंबर है 99 तक वो क्या होंगे आपके, वो 10 से कहीं ना कहीं बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। तो ये 10 है आपका सबसे स्मॉलेस्ट, 10 के बाद 2 डिजिट का सबसे बड़ी नंबर क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, तो वो होगा 10, 11, 12, अगर हम 1891 के बाद 99, क्योंकि 99 के बाद क्या होता है 100 हो जाता है, 99 के बाद क्या हो जाता है 100, 100 क्या है वो 3 डिजिट नंबर हो गया, जैसे 1, 2, 3 हो गया ना 1, 2, 3, क्योंकि ये क्या है 3 डिजिट नंबर, 3 मतलब कोई भी 3 नंबर से बना हुआ, जैसे इसमें क्या है एक बार 1 है और 2 बार 0 है, तो इसीलिए आपका सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 99 हो गया। 3 डिजिट नंबर की बात करें फिर तो उसके बाद हो गया 100 हो गई सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या और इसका होगा 999। उसके बाद आपका दिया हुआ है नंबर अप टू 1000 तक, तो 999 के बाद क्या होता है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 1000। बस आपका दिया अप टू 1000 मतलब 1000 तक की संख्या तक हम पढ़ेंगे, 1, 10, 100। अब इसमें आप देख सकते हैं आपके बुक में दिया हुआ 1, 10, 100 के बारे में, तो ये क्या होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। आप लोग बोर्ड पे देखिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1 है, कैसे है 9, लार्जेस्ट 9 कैसे हुआ, तो यहाँ आप देख करके बता सकते हैं कि सिंगल डिजिट में सिर्फ डिजिट में 1 डिजिट नंबर में 1 है, 2 है, 3 है, तो स्मॉलेस्ट 1 हो गया और लार्जेस्ट क्या 9 है। ये सब है, अगर आप लोगों को इन सब में से कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप लोग फिर से हमको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज, या आप लोग जैसे लिख नहीं सकते हैं, आप लोग छोटे बच्चे हैं तो वॉइस मैसेज दे सकते हैं कि सर हमको वो चीज समझ में नहीं आया, भेज दीजिएगा तो हम आपको फिर से सेकंड दूसरा वीडियो जो बनाएंगे जब तक स्कूल बंद है तब तक करवा सकते हैं। ओके, अभी हम 1, 10, 100 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब आप लोग देखिए, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है 1 घर बना हुआ है छोटा सा, ये क्या है 1 है, ये 1 क्या है 1 वंस है, 1 वंस मींस क्या हुआ कि ओनली 1, ये 1 है। 10 की बात करें तो 10 को ऐसे करेंगे, अगर ये 10 आप लोग देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 क्या है 10, इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 10 वंस, इसमें ये वंस है, 1 वंस है ना आपका, सिर्फ क्या है ओनली 1 है, 1 1 होगा, ये वंस नहीं होगा क्योंकि 1 है, एस तो लगेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, ये क्या है 1 1 है, तो इसमें क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या है इसी एक से मतलब एक से ये बनाया 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया आपका 10 1, ये कितने हैं 10, जैसे ये एक डब्बा है तो एक डब्बा से क्या बना ये 1, 2, 3, 4, ये 10 डब्बा मिलकर क्या बना 10 1, बोलेंगे ना, तो 10 से ये भी 1 है, अगर हम इसकी अकेले की बात करें तो ये क्या हो गया
वंश हो गया, ये भी वंश है, तो ये कितने डब्बे बन के बने हैं, तो 10 वंश मिलके क्या बना है, 1 10 1 10, ये क्या आपका टेंस है, क्योंकि 10 वन को हम लोग बोलते हैं, 1 को बोलते हैं 1, 10 को बोलेंगे 10 और 100 को बोलेंगे 100, ये आप लोग जानते हैं 100। अगर ऐसे अगर हम ये किताब है, ये हम किताब है, तो हम पूछेंगे कि बाबू बताइए आप लोग कि ये कितने डब्बे हैं, इसमें कितने बॉक्स हैं, ये बताइएगा सर ये 1 बॉक्स है, कितने 1 है, 1 1, ये हो गया। आप बताइए इसमें कितने बॉक्स हैं, तो बताइएगा 10, तो 10 क्या है, अगर इसका नाम अगर हम 1 रख दिए तो ये क्या है 10 1 है ना, 10 1 इक्वल टू क्या बना, जिसमें टोटल कितने 10 है, तो ये हो गया 1 10, जैसे 10 है और ये 1 है, तो 10 को अगर मल्टीप्लाई करें ये क्या है 1 है, तो 1, या अगर ये 1 है, ये है ना 1 है 1, ये 10 को क्या लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई 10, तो आप देख सकते हैं 10 कि 10 1 को हम क्या 10 1 को हम क्या बोल सकते हैं 1 10 बोल सकते हैं, सॉरी इसका थोड़ा ये हो रहा था, लेकिन क्या 1 10 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 10 लिख सकते हैं, समझ के आपके बुक में दिया हुआ है। अब ये 10 10 10 10 से क्या बनेगा, जैसे अगर हम बॉक्स बनाते हैं बड़ा सा बॉक्स आपके बुक में बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया, इधर से इधर से 10 9 की देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया, ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इधर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 10 इक्वल टू क्या बनता है 100, ये 100 हो गया, जिसके आप बुक में देख सकते हैं कि 1 1 इक्वल टू क्या था 1 हुआ, ये 10 1 इक्वल टू क्या हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, और ये क्या है 100 है 100। इसी से नंबर बनता है, जैसे होता है ओ टी एस की बात करें, जैसे वंश को क्या लिखते हैं, किससे वंश टी, ओ से वंश को हम 1 को हम ओ से लिखते हैं, 10 को हम टी से लिखते हैं, और 100 को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कुछ नंबर दे रहे हैं आपको लिखने के लिए, अब तो बुक में दिया हुआ है, नंबर 9 लिखने के लिए आज कहूं पर ये जो है थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा। जैसे ये नंबर को समझ लेते हैं 3 2 6, बी में 7 8 5, 3 4 6, ये क्या 5 है, बी में 3 2 2, 5 6 7 4 8 7, इसका नंबर मैं अगर लिखने के लिए दिया जाए तो ये क्या, ये आपका 1 है, ये 10 है, ये 100 है, 100 प्लस पे क्या है आपका क्या है 3 है, इसको क्या लिखेंगे THR3, और 3 कौन से प्लस पे 100 प्लस पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 HUNDRED, 100, आप समझ गए ये क्या है आपका 300 है, और 2 कौन से प्लस पे 10 से है, तो 2 10 को हम क्या लिख सकते हैं 20, 2 × 10 क्या हो गया 2 × 2 10, मतलब क्या हुआ 2 10 हो गया 2 × 10 इक्वल टू 20, और ये क्या है 6, तो 26 अगर ये अगर हम हटा दें तो 26 है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 26 लिख सकते हैं, 26 है TWEN 26, ठीक उसी तरीके से आपका ये सब क्वेश्चन है 755, 346 और 322, 567, 487, 938 और फिर एक कहते हैं आपको 999, इन सब का आप लोग करके भेजिएगा हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आज, और आज ही हम चेक करके आप लोगों को बताएंगे। ओके थैंक यू, अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ रह गया हो हम आपको नेक्स्ट वीडियो तो आप लोगों को दे दी जाएगी। थैंक यू।